बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ मेहताब अली, केमिस्ट्री टीचर। टुडे वी आर स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इससे पहले एक एटॉमिक मॉडल आया था जिसका नाम था प्लम्प पुटिंग एटॉमिक मॉडल, जो जे.जे. थॉम्सन ने दिया था, उसको रिजेक्ट करके फिर उसके बाद आया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो जे.जे. थॉम्सन का शागिर्द था जिसका नाम है रदरफोर्ड। तो उसके बाद वो जे.जे. थॉम्सन उस टाइम जिंदा थे और उन्होंने देखा कि जो ये जो रदरफोर्ड है, उन्होंने उसी मकसद उस्ताद को अपना जो है रिजेक्ट करके फिर अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो फिर रदरफोर्ड को जे.जे. थॉम्सन ने कहा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही घर तोड़ दिया यार का। ऐसे ही होता है, सदियों से ऐसे ही चला आता है, अपनों को मारा है। सो इसीलिए इसको रदरफोर्ड जो है उनके एटॉमिक मॉडल को जो गलत किया था, फिर नील बोर ने किया, वो भी उसका शागिर्द था। चलो ट्राई करते हैं आगे इनको, तो कैसे इन्होंने डिस्क्राइब किया है इस सारे सिस्टम को। रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक ब्लॉक लिया था, कुछ ऐसे टाइप का ब्लॉक था, ये ब्लॉक जो है बना हुआ है लीड का, लीड जिसको हम पीबी से इंडिकेट करते हैं और इसे लिख देते हैं लीड ब्लॉक। इसके अंदर कोई एलिमेंट रखा था, उस एलिमेंट का नाम है बिस स्मिथ। ये जो एलिमेंट रखा था ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट था और उसके ऊपर भी ऐसी तरह के मकसद कुछ ब्रिक रखी थी और यहां भी वो भी लीड की बनी थी। ये लीड ब्रिक है, और यहाँ एक कोई स्लिट रखी थी, यहाँ कोई फॉइल रखी थी, गोल्ड फॉइल। यहाँ कोई गोल्ड फाइल रखी थी और ये जो गोल्ड फाइल रखी थी वो गोल्ड फाइल सिंगल एटॉमिक लेयर थी, सिंगल एटॉमिक लेयर थी। सिंगल एटॉमिक लेयर का मकसद है कि ऐसी एटम की लेयर्स जिनके आगे ना पीछे कोई और एटम हो, मकसद इसके अंदर सिर्फ सिंगल एटम होता है, वो भी मकसद वो अरेंजेड एक लेयर में अरेंजेड, इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। ओके, और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, एक स्लिट रखी थी या ऐसे समझे कि स्क्रीन रखी थी, कुछ ऐसे ही थी। और ये जो स्क्रीन बनी हुई है ये बनी थी जिंक सल्फाइड की, और ये जो गोल्ड फाइल रखी थी ये उन्होंने इसीलिए रखी थी, गोल्ड आसानी से मैलेबल होता है। मैलेबल का मकसद है कि किसी को कन्वर्ट करें हम क्वीन में, क्वीन मकसद कैसे दी, मैलेबल का मकसद है
मेलेबल द मेटल कन्वर्ट इन कॉइन। लेकिन गोल्ड जो है वो आसानी से क्वीन में कन्वर्ट होता है या ऐसे समझे कि मेलेबल होता है, तो इसीलिए इन्होंने गोल्ड को ही सिलेक्ट किया इसी काम के लिए। और यहाँ ये जो जिंक सल्फाइड है ये वैसे एक ऐसा एलिमेंट है जो फोटोसेंसिटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। फोटोसेंसिटिव एलिमेंट लिख देते हैं इसे, फोटो सेंसिटिव एलिमेंट। एलिमेंट फोटॉन को पहचानने वाला एलिमेंट, या ऐसे समझे कि फोटॉन को सेंस करने वाला एलिमेंट है यह। और ये जो स्क्रीन होगी ये फोटो सेंसिटिव स्क्रीन है, फोटो सेंसिटिव सेंसेटिव स्क्रीन होगी। और यहाँ से क्या होता है कि ये जो बिस्मिथ है इन्होंने कुछ अल्फा पार्टिकल लॉस किए, जो अल्फा पार्टिकल लॉस किए वो ऐसे स्ट्रेंथ में मूव कर रहे थे और यहाँ जाके स्क्रीन पे लगे। जब स्क्रीन पे लग रहे थे तो वहाँ कोई ना कोई ब्राइट शो हो रही थी, ब्राइट शो जो हो रही थी वो यहाँ से ऐसे समझे कि थोड़ी छोटी सी ब्राइट शो हो रही थी, ब्राइट समझे या लाइट समझे, वो लाइट इतनी बड़ी नहीं थी कि वो जाहिर हो जाए इन आँखों से भी, ऐसे समझे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इसे जाहिर कर सकता है या उसके थ्रू हम ढूंढ सकते हैं इसको। ओके, फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसे थे, पॉइंट नंबर वन लिख देते हैं यहाँ, 99.84% जो पार्टिकल थे, या ऐसे समझे दी मोस्ट पार्टिकल वो परसेंटेज थी 99.84, वो हो रहे थे वो अनडिफ्लेक्ट थे, अनडिफ्लेक्ट वो मूव नहीं कर रहे थे, या ऐसे समझे कि वो मकसद कहीं किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहे थे, अनडिफ्लेक्टेड थे, अनडिफ्लेक्टेड अनडिफ्लेक्ट थे, या ऐसे कह देते हैं अनडेविएट, अनडेविएट भी आप कह सकते हैं, वो इतनी परसेंटेज वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। और इनकी एंगल चेक की गई, इनकी एंगल देखी गई, तो वो जो एंगल थी वो लेस देन वन थी, थीटा लेस देन वन थी, या ऐसे समझे अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो थी, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो थी, ज़ीरो थी। और कुछ ऐसे थे जो इनके अलावा थोड़ी सी परसेंटेज थी वो थोड़ी सी या थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ ऐसी एंगल में थोड़े से डिफ्लेक्ट। ये जो थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए तो हम लिखेंगे यहाँ जो रही परसेंटेज है, या ऐसे समझे 0.14% दी अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट। जो डिफ्लेक्ट हुए वो कितना डिफ्लेक्ट हुए थे, वो डिफ्लेक्ट हुए थे उनकी जो एंगल थी वो थी लेस ग्रेटर देन वन, या ऐसे समझे कि ग्रेटर देन वन, इनकी जो एंगल थी वो ग्रेटर देन वन थी। आफ्टर दैट जो नंबर थ्री है, वन पार्टिकल डिफ्लेक्ट
इन ग्रेटर देन 90 एंगल, ग्रेटर देन 90 एंगल फ्रॉम 8000 अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो 8000 थे उनमें से एक ऐसा पार्टिकल था जो डिफ्लेक्ट हो रहा था 90 से ग्रेटर एंगल पे। ऐसे समझे 8000 पे एक हो रहा था तो 16000 पे दो होंगे, ठीक है। इसका जैसे डबल करते जाएंगे ऐसे ही इनका डिफ्लेक्टन जो डिफ्लेक्टिव रेट है वो भी इंक्रीज होते जाएगा। तो ऐसा एक मकसद, एक पार्टिकल था 8000 में जो डिफ्लेक्ट हो रहा था 90 से ग्रेटर एंगल में। आफ्टर दैट इन्होंने देखा 10 लाख से इन 10 रेस प्लस 6 इट मीन मेगा वन पार्टिकल बाउंस बैक एट 180 डिग्री। मकसद हमने कहा कि 8000 से एक ऐसा पार्टिकल होगा, जब 8000 पार्टिकल होंगे अल्फा पार्टिकल उनमें से एक ऐसा पार्टिकल होगा जो 90 से ज़्यादा या ग्रेटर एंगल उठाता होगा। लेकिन इन्होंने कहा है जो ये मकसद 10 लाख जो अल्फा पार्टिकल होंगे उनमें से एक ऐसा पार्टिकल होगा जो बोन्स बैक या ऐसे समझें कि 180 डिग्री पे बैक या वापसी आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ ड्रा कर देते हैं कि ये कैसा होगा मकसद। तो हमने देखा ये समझे एक गोल्ड फाइल है, यहाँ मैं ड्रा कर देता हूँ एक बड़ी सी गोल्ड फाइल या यही गोल्ड फाइल, इनका कुछ हिस्सा मकसद थोड़ा सा ऐसा ये वाला हमने ऐसे बाहर करके देखा है। जब हमने ये बाहर करके देखा तो इनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे जाहिर होंगे, एलिमेंट कुछ ऐसे जाहिर होंगे गोल्ड के, ओके। हमने देखा जो अल्फा पार्टिकल थे वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉस हो रहे थे स्ट्रेंथ लाइन में, ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल क्रॉस हो रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, ग्रेटर देन 90 एंगल। यहाँ से देखें तो ग्रेटर देन 90 एंगल कुछ ऐसे होगी, ये वाली एंगल 90 हुई तो ये वाली जो एंगल होगी वो ग्रेटर देन 90 होगी, मकसद ये एंगल होगी। तो ये जो सेंटर पे आ रहे थे वो कुछ ऐसे बोन्स पैक हो रहे थे, कुछ ऐसा सीन था। बेटा ये स्क्रीनशॉट निकाल देना, आगे चल रहे हैं। ये जो इन्होंने कहा था इसको ही चेक करते हैं। तो इन्होंने ये क्यों कहा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ पार्टिकल सीधे जा रहे थे, इसीलिए दी मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी सबसे ज़्यादा जो एटम का पार्ट होता है वो खाली होता है, इसीलिए 99.8% जो अल्फा पार्टिकल दे वो अनडिफ्लेक्ट हुए, सीधे चले गए, या ऐसे सब्जेक्ट कि अनडेविएट हुए, ठीक है। आफ्टर दैट जो कुछ परसेंटेज 0.something हो रहे थे डिफ्लेक्ट वगैरह, उनकी वजह यह थी कि इससे पहले एक आया मॉडल आया था जिस मॉडल का नाम मैंने अभी अभी आपको बताया, प्लम्प पुटिंग मॉडल। इस मॉडल ने कहा था जो पॉजिटिव चार्ज है वो फैली हुई है सारे के सारे एटम में, ऐसे समझे हर जगह, यहाँ भी हो सकती है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी, मकसद डिफरेंट डिफरेंट जगह एटम के अंदर,
लेकिन ऐसे था नहीं, था कुछ ऐसे कि ये जो पार्टिकल थे उन्होंने कहा कि मकसद एटम के अंदर सारे के सारे थे, ठीक है, सारे के सारे एटम के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज थी और वो पॉजिटिव चार्ज फैली हुई थी, और इन्होंने ये भी कहा था इलेक्ट्रॉन की तरह फैली हुई थी, इलेक्ट्रॉन जैसे फैला हुआ है ना, इन्होंने कहा है कि ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज भी इनके अंदर फैली हुई थी। किसने बताया था? प्लम्प पुटिंग मॉडल, प्लम्प पुटिंग मॉडल, ओके। लेकिन ऐसे कुछ था नहीं, तो रदरफोर्ड साहब ने कहा द चार्ज स्मॉल स्पेस, मकसद कोई किसी छोटी जगह में वो चार्ज है एटम की, एटम की किसी छोटी जगह में वो चार्ज है। सो हम कहेंगे द पॉजिटिव चार्ज चार्ज ऑफ एटम प्रेजेंट इन स्मॉल स्पेस, ऐसे भी लिख सकते हैं वेरी वेरी स्मॉल या एक्सट्रीमली स्मॉल भी लिख सकते हैं, बहुत छोटे से पार्टिकल में। क्यों छोटे से पार्टिकल में? बिकॉज ऑफ दैट रदरफोर्ड साहब ने एक दूसरी लाइन भी बताई थी, मैंने ऊपर लिख दी है कि द मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, ऐसे समझें ये न्यूक्लियस है, ऐसे समझें ये न्यूक्लियस है, इतना सा बड़ा एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसका, उसका वॉल्यूम सबसे बड़ा होता है न्यूक्लियस से 10,000 टाइम्स या ऐसे समझें 10,000 टाइम ग्रेटर होगा, ओके। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये भी पॉइंट, दी वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉन भी समझ लें, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन, यानी ऐसे समझें कि 10,000 टाइम ग्रेटर देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से 10,000 गुना दफा बड़ा है, ओके। आफ्टर दैट तीसरी पॉइंट ये है, ये जो 90 से ग्रेटर पे डिफ्लेक्ट हो रहा था, एक दूसरी बात ये भी समझा लूं कि कभी कभी क्या होता है, हमारे कहीं कहीं लिखा होता है या कोई पढ़ा देता है कि यहाँ न्यूक्लियस है, जब हम अल्फा पार्टिकल आते हैं वो न्यूक्लियस से कोलिजन होके फिर वापसी आते हैं, ये गलत बात है, अल्फ़ा पार्टिकल कोलिजन होते ही नहीं, क्यों नहीं होंगे कोलिजन इनके साथ, अल्फ़ा पार्टिकल कोलिजन होके ये ऐसे आते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, कोलिजन इसलिए नहीं होते क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करती है, तो न्यूक्लियस की जो नेट चार्ज होगी वो पॉजिटिव होगी, बिकॉज ऑफ दैट न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज या न्यूट्रॉन नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो चार्ज शो होती है वो किसकी होगी, वो चार्ज शो होगी प्रोटॉन की, सो यहाँ से रिपल्जन होगी, क्या होगी, रिपल्जन। और दूसरी बात यह भी है, कोलिजन हम उसे कहते हैं जहाँ मोमेंटम का लॉस हो, ऐसे समझें ये मार्कर इस दूसरे मार्कर से जैसे लगेगा तो इसकी जो पहले वाली वेलोसिटी थी और मास के अंदर कोई ना कोई फर्क आए, इसे कहा जाता है कोलिजन। सो यहाँ कोई कोलिजन वगैरह नहीं होगी, ये जो अल्फा पार्टिकल वापसी आते हैं ग्रेटर देन 180 डिग्री, उसकी वजह ये है कि ये जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से वापसी आ रहा है रिपल्जन करके, उससे टकराता नहीं है, ये रिपल्जन होती है, अल्फा पार्टिकल आर नॉट कोलाइड विथ न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल रिपल्जन हो रहे थे न्यूक्लियस से, ओके। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर थर्ड पे आए, तो उन्होंने कहा जो कुछ पार्टिकल 90 एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे वो किसी ना किसी मास से लग कर डिफ्लेक्ट हो रहे थे और इनमें से कोई ऐसा था जो
इतनी मकसद समझें कि 10 लाख पार्टिकलों में से एक ऐसा पार्टिकल था जो ग्रेटर देन 180 एंगल पे मूव कर रहा था। उसकी वजह ये थी, पॉइंट नंबर थर्ड समझ लें, ये पॉइंट नंबर थर्ड इसलिए हो रहा था क्योंकि अल्फा पार्टिकल कैरी आल्सो पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चार्ज होती है, रदरफोर्ड साहब ने, दी न्यूक्लियस न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज चार्ज, ओके।